मुझे मुझे कहीं से नहीं लगता है, कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर बनाने की बातें ये सब है। मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान जी अभी, क्योंकि केंद्र में वो मंत्री भी हैं और साथ में रह करके वो 5 सीटें जीते भी हैं, तो सिर्फ चिराग पासवान जी का वोट थोड़ी ना था उसमें, तो भारतीय जनता पार्टी का, जेडीयू का भी वोट था। प्रशांत किशोर लगातार मुख्यमंत्री जी पे सवाल उठाते रहते थे, लेकिन आज अपनी पार्टी बना रहे हैं, कैसे देखती है इसको? देखिए, प्रशांत किशोर जी तरह तरह की बातें मीडिया के माध्यम से ही सुनने को आ रहा है, और आज सुना कि वो अपनी पार्टी को लॉन्च करेंगे, और कुछ मीडिया के भाइयों ने ये भी पूछा कि शायद वो अपनी पार्टी का नाम भी रखेंगे। तो अभी तक जो मीडिया में बातें आ रही थी वो तो जन स्वराज पार्टी के नाम से आ रही थी, क्या अब उसका नाम भारतीय जनता पार्टी बी टीम रखा जाएगा क्या? दीदी, महाराष्ट्र में देखा गया है कि गाय माता को राज माता का दर्जा दिया गया है, क्या आपको लगता है कि बिहार में भी ऐसा होना चाहिए, या कुछ कदम ऐसा उठा सकती है भाजपा? देखिए, गाय को राजमाता का दर्जा दे या किसी और चीज के दर्जा दे, एक तो गाय जो खुले में नहीं होने चाहिए, उनके लिए या तो सरकार या जो लोग रखते हैं, जो गौ पालन करते हैं, प्रॉपर उसकी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो खुले में ना। दूसरी बात ये कहें कि जहाँ इंसानों का कदर नहीं है, जिस देश में भारतीय जनता पार्टी, जहाँ इंसानों का, इंसानियत का उनके लिए कोई नहीं है, तो वहाँ गाय की क्या बात की जा रही है? बाढ़ को लेकर के प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, आप लोग ये कह रही हैं कि बहुत डिले किया है और स्लोली उन्होंने इसको लेकर के कदम उठाया देखिए, है। बाढ़ बिहार के लिए कोई पहली घटना नहीं है, उनको पता है कि इस टाइम पे बाढ़ आता ही है, कोसी खास करके सीमांचल वाले इलाके में, तो सरकार को पहले से इसकी तैयारी रखनी चाहिए ताकि जो वो इलाका है उसमें लोगों को असुविधा ना हो। तो देरी तो हुई है, कल मैंने सुना कि कल शायद मुख्यमंत्री जी ने सर्वेक्षण किया है। आप बताइए कि हवाई सर्वेक्षण से क्या होना है? हम गए थे, पूर्णिया गए थे, रास्ते में हम देखते गए कि बहुत विचित्र स्थिति थी, लोग मतलब ऊंचे स्थानों पर, कोई सड़क पे आया हुआ था, कोई बांध पे आया हुआ था, तो ये समस्या तो रहती है हमेशा। बट उसका देखिए, बाढ़ के लिए जब तक केंद्र सरकार नेपाल से और उधर से नहीं बात करे, उच्च स्तरीय इसका कोई एक कमिटी बना के कोई इसका हल ना निकाला जाए, तो हर प्रत्येक वर्ष बिहार में बाढ़ आता रहेगा। लेकिन बाढ़ आता रहेगा, लेकिन उसके उपाय भी तो किए जाते हैं। आपको पता है कि इन इन इलाकों में पानी आता है, तो उसके लिए उचित पहले से वो लोग तैयार क्यों नहीं रहते हैं? चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, चाहे आपदा विभाग के लोग हों। अभी मैंने सुना कि शायद उसमें सेना के लोगों को लगाया गया है, तो सेना का काम कुछ और है, जो आपका काम है वो कोई और कर रहा है, तो फिर आप किस बात के मुख्यमंत्री हैं यहाँ? तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि 2008 में प्रधानमंत्री को लेकर के बिहार लाया गया था जब बाढ़ आया था, तो प्रधानमंत्री झारखंड का दौरा कर रहे हैं लेकिन बिहार नहीं आ रहे हैं। देखिए, ये इस देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो सिर्फ चुनाव मंत्री हैं, चुनाव के प्रधानमंत्री हैं, वो चुनाव जहां होगा वहां जाएंगे, लेकिन उनको बिहार ने इतनी सीटें जीत करके दी है, सिर्फ जब वोट लेना होता है तो आकर के बहला के फुसला के तरह तरह के वादे करके ये लोग चले जाते हैं, और जब विपत्ति आती है तो ये लोग मुड़ के देखने का काम नहीं करते हैं। तो मैं बार बार कहती हूँ, बिहार के लोग